नमस्कार, हम आज रहे सीधी बात के कार्यक्रम में। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स है। इस बार का शख्स बछावा विधानसभा क्षेत्र का विधायक, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष भी। हम बातचीत करेंगे इनसे कि विधायक बनने के बाद में आखिर कितने काम यहाँ पर जो पुराने पेंडिंग थे, यानी ऐसे काम जो अब तक नहीं हुए थे, उनको कौन से काम ऐसे करके दिखाया, और ऐसे कौन कौन से काम है जो अभी लंबित है। अब कई सारे सवाल जो जनता की भी है, और कई सारे ऐसे सवाल जिनको जानकर आप समझ जाएंगे कि आखिर ये प्रामाणिक समाज से भी है या नहीं। इन सारे सवालों के साथ इस सीधी बात के कार्यक्रम में बस कुछ देर में, बस थोड़ी देर में हम बातचीत करेंगे राम रमेश साहब से। बस थोड़ी देर। नमस्कार, हम हाजिर है सीधी बात के कार्यक्रम में। हमारे तो उपस्थित हैं राम नरेश रावत, विधायक पछावा से। आइए हम बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते आपका कार्यकाल बड़ा लंबा रहा है जी। राजनीति में आने के पीछे का मूल मकसद क्या था? क्या आपका भी वही था कि पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मंच मिल जाए, तालियां मिल जाए, माला मिल जाए और सत्ता मिल जाए? क्या यही सब आपके भी उद्देश्य थे भारतीय जनता पार्टी में, या सत्ता में आने या राजनीति में आने के पीछे का मूल मकसद क्या था? राजनीति में आने का जहां तक सवाल है, सन 1989 में मैंने MA LLB कंप्लीट किया और उसी वर्ष मुझे भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया समाज सेवा के क्षेत्र का। मैंने महसूस किया कि यह अवार्ड अकेले मुझे मिला है, लेकिन ये टीम वर्क है, तो समाज सेवा के लिए मिला तो क्यों ना समाज सेवा की जाए। और समाज सेवा के साथ साथ सबसे बड़ा माध्यम समाज सेवा का राजनीति है जी। क्योंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में व्यवस्थापिका ही सुप्रीम है जी। जहां हम समाज के लिए कुछ कानून बना सकते हैं और उन्हीं कानूनों को यथावत लागू करवा सकते हैं, इसी यही कारण है राजनीति में आने का। और तब से लेकर के अब तक निरंतर समाज की सेवा में मैं रत हूँ। काफी लंबा समय हो गया आपको, देखा जाए 90 से कैसे लेकर अब तक का समय देखा जाए 27-28 वर्ष तो एक गिनती में हो चुके। तो इस पूरे वर्ष में ऐसा लोक संघर्ष जरा बता दीजिए, और उस लोक संघर्ष में, उस समाज सेवा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग गई, इन दो कारणों को जरा बता दीजिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी को इतने सारे दल थे और पकड़ लेते, ये भारतीय जनता पार्टी की क्यों? देखिए, इस बात का जवाब जो हमारे मन में तैर रहा था जी, उसे वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी बदौलत सत्ता पर नहीं पहुंचा हूं, अपनी तीन पीढ़ियों की बदौलत पहुंचा हूं जी। पहली पीढ़ी का जिक्र उन्होंने किया, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। दूसरी पीढ़ी आदरणीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय आडवाणी जी, माननीय जोशी जी। और तीसरी वर्तमान की पीढ़ी जो काम कर रही, माननीय राजनाथ जी, माननीय मोदी जी, वेंकैया जी और सुषमा जी, ढेर सारे लोगों की वर्तमान पीढ़ी है। इस नाते जो मूल आधार समाज सेवा और राजनीति का था, वो वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने नारा जो दिया, सबका साथ सबका विकास, ये तो आज की बात है। आप ये चूंकि 90 के आसपास से लगातार समाज सेवा में जुटे रहे, तो भारतीय जनता पार्टी तो आज की बात है ना। मैं 14 के बाद में सबका साथ सबका विकास, हम यही कह रहे हैं कि यही मूल भावना जो उन्होंने कहा, अपना नारा उन्होंने शब्द दिए, लेकिन मूल अवधारणा जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की थी वही थी। अच्छा। तो इसी नाते हम भारतीय जनता पार्टी में आए, सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी थी। क्रम से राज्यसभा, विधान परिषद में सबको जाने का एक अवसर प्रदान किया, जहां आरक्षण नहीं है उसकी बात भारतीय जनता पार्टी क्रम से करती रही है। दूसरे दल दलितों की, पिछड़ों की बात करते रहे हैं, वो वर्ग विशेष नहीं बल्कि जात विशेष के लिए काम करते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, चाहे अनुसूचित जात के हों, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा दूसरे दलों ने दिया, लेकिन उसे पालन किया भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभिक काल से जी। चलिए, अच्छी बात है, पालन वैसे भी करना भी चाहिए। अच्छा, एक चीज और, 12 अंक की से आप बछावा विधानसभा क्षेत्र कंफर्टेबल बैठ पा रहे हैं? देखिए, जीतने की बात तो कंफर्टेबल हो जाता है, फिर भी देखिए बछरावा और 12 अंक की मूल रूप से इनका दोनों का कल्चर एक है, इसे विभाजित हम नहीं कर सकते। जब बैसवाड़ा था तभी 12 अंक का कुर्सी, सिद्धौर, रामनगर और वहाँ का हैदरगढ़, ये सब इसके अंग थे, वहाँ के परगना। और जब भी पहली बार 1952 के बाद जब लोकसभा बना, तो बछरावा 12 अंक की दक्षिणी का अंग था जी। और यहाँ का कल्चर, यहाँ की रिश्तेदारी, यहाँ के रहन सहन,
उठक बैठक 12-19 से तनिक भी भिन्न नहीं है, इसलिए मैंने इसको कभी अलग माना ही नहीं। ये हमारा ही अंग है, हम इसके अंग हैं, बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई तनिक भी समस्या नहीं है। चलिए अब थोड़ा समस्याओं बात कर लेते हैं। NH3 मार्ग से महाराजगंज की तरफ सड़क आ रही है, वो आज भी लंबित है, बनी नहीं। गठन उत्तर प्रदेश जो होने का नारा था, क्या वो पसराव विधानसभा क्षेत्र में आपके द्वारा हो पाया? जो आजादी के बाद से जितना काम प्रतिशत में देखिए, अभी हम 10 महीने से सरकार में, 10 महीने में उस प्रतिशत से, जिस प्रतिशत से काम होना चाहिए था, इस प्रतिशत से आजादी के बाद अभी तक कभी भी बचरावा में नहीं हुआ। जी, उस तीव्र गति से हो रहा है। हमको प्लानिंग बनाने का पूरा अवसर प्राप्त है, हमको काम करने का पूरा अवसर प्राप्त है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, अभी आज 4 दिन पहले मेरी भेंट हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने 52 सड़कें लिख करके दिया। जी, पहले उप मुख्यमंत्री जी PWD मंत्री जी को दे चुके थे, और इसके अलावा 143 सड़कें जो गांव को जोड़ती हैं, जिनकी आबादी कम से कम 250 है, उन सारे मार्गों का चिन्हीकरण किया हमने। 143 छोटे छोटे वे सब मार्ग आए, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको हम कंसीडर करेंगे और निश्चित रूप से इन सारे सड़कों को बनवाएंगे। आप ऐसी कौन कौन चीजें हैं जो आपके दिमाग में हैं और आपको लगता है कि बछरावा विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए, वो कौन कौन सी चीजें? मेरी दृष्टि में बछरावा विधानसभा में उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी है। बछरावा के लोग बहुत अच्छे हैं, मिडिल क्लास तक तो पढ़ाई हो जाती है अच्छी तरीके से। उच्च शिक्षण संस्थाएं ना होने के कारण, और साथ ही कोई टेक्निकल महाविद्यालय यहाँ नहीं है। टेक्निकल महाविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थाएं अगर यहाँ खोल दी जाए तो निश्चित रूप से यहाँ का नौजवान बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ेगा और नौजवान कुछ करना चाहता है। यानी शिक्षण संस्थान की तरफ से आपका रुझान रहेगा और आप उसे जल्दी लाने का प्रयास करेंगे? अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए हमने लिख करके भी दिया है। जी, और अभी वार्ता के दौरान बताया भी है, 4 विकास खंड इसमें आते हैं, आंशी कमावा और महाराजगंज, शिवगढ़ और बछरावा। इन 4 विकास खंडों में एक एक महाविद्यालय खोलने की हमारी योजना है। एक में महिला महाविद्यालय सरकार से मांग करेंगे, राजकीय महाविद्यालय, और हमारा हमको जहाँ तक उम्मीद है कि सरकार बछरावा को कंसिडर करेगी और बछरावा को महत्व देगी। ये सारी बात तो ठीक है, क्या आपको लगता है कि इस समय बछरावा विधानसभा क्षेत्र में जो कही जा रहे थे कि सर के कोई मकान कच्चा नहीं रहेगा, क्या इस तरफ कि आपके ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख और आदि ब्लॉक के वीडियो के स्तर पर जाकर के आपने इस पर कोई पहल की कि निश्चित रूप से 2019 तक या 2022 तक के चुनाव में आने से पहले कच्चे मकान नहीं रहेंगे और सबको मकान पक्के प्राप्त हो जाएंगे जो जो जिनको जो पात्र हैं? माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी विकास खंडों में उनके जो लाभार्थी चयन किए गए जी, मेरे द्वारा उनको मानपत्र दिया गया, पैसा तो उनके खाते में गया। ऐसे लगभग करीब बछरावा में 1200 लोगों को दिया जा चुका है, ऐसे लगभग इतनी ही संख्या महाराजगंज होगी और इससे कुछ कम ज्यादा शिवगढ़ में भी होगी। जी, ये मेरे द्वारा ये कैंप लगा करके विकास खंड मुख्यालय पर उनको सबको मानपत्र दिया जा चुका है। जी, तो निश्चित रूप से कि समय आने पर वो निश्चित पूरा हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि सपने वह हैं जो देखे ही नहीं जाते बल्कि पूर्ण किए जाते हैं, और लक्ष्य जो वो है वो समय से पहले पूर्ण किया जाए, तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारी प्रदेश में माननीय योगी जी की सफल सरकार है, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, दोनों सरकारें लक्ष्य जो रखा गया है वो समय से पहले पूर्ण करेंगे। अभी हाल ही में बजट आया है, तमाम विपक्षों का कहना है कि बजट ऐसा है जिसमें हवा ज्यादा है और धरातल पर आना नहीं है, तो इन सब चीजों पे क्या लगता है कि इस बार का बजट बिल्कुल सार्थकतापूर्ण सही है और आम जनमानस के तक पहुंचने वाला बजट है? पहली बात तो हम लोगों का वेतन नहीं बढ़ा, सांसदों का वेतन, जी विधायकों का, उसमें अभी कोई उस पर आपको इंतजार है कि बढ़े? ये तो देखिए एक पॉलिसी मैटर है, मुद्रा स्फीति प्रति वर्ष 8-10% की गति से बढ़ रही है। जी, तो निश्चित रूप से बढ़ना ही चाहिए, हमारे नहीं बढ़ना चाहिए बल्कि हर कामकाजी का बढ़ना चाहिए। जी, जब मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो घटना चाहिए, मुद्रा स्फीति बढ़ रही है तो बढ़ना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बजट आया वो निश्चित रूप से धरातल पर आने वाला है। जो बजट आया है
जिसको जानना है कल क्या होगा उसे जानना होगा कल क्या हो चुका है। तीन साल में माननीय मोदी जी ने जिस सफलता के साथ लक्ष्यों को प्राप्त किया है, हम समझते हैं उसी गति से प्राप्त होगा। उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत 8 करोड़ लोगों को देने की बात कही गई, 3.5 करोड़ के आसपास दिए गए, 3.5 करोड़ दिए गए और 3 साल में हमने लक्ष्य तय किया था 5 करोड़ लोगों को देने का। तो इसका मतलब हमने कम अवधि में आधे से अधिक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो निश्चित रूप से उसी गति से हम आगे आने वाले समय में लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जी चलिए देखते हैं, एक आखिरी प्रश्न है आपसे, क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं बछनाव विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कि निश्चित रूप से वो निश्चिंत रहें और समय आने पर सब कुछ ठीक होगा? बछनाव विधानसभा सहित पूरे जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश और देश से मैं कहना चाहता हूँ, ये क्षेत्र कांग्रेस की अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी यहाँ से सांसद हैं, यहाँ ना किसी के दुख में आती हैं ना किसी के सुख में आती हैं और ना ही किसी के पास में उनका मोबाइल नंबर है, बस गिने चुने कुछ लोगों के पास में जिन्हें वो प्रतिनिधि कहते हैं, किशोरलाल शर्मा जी हैं, देखिए वहाँ प्रतिनिधि के भी प्रतिनिधि, प्रतिनिधि के भी प्रतिनिधि, प्रतिनिधि के भी प्रतिनिधि हैं, तो किससे कौन बात करे? जनता चुनती है सीधे, प्रजातंत्र में जनता सीधे अपने नेता से मिलना चाहती है। हम 10 महीने से विधायक हैं और भले आपने कहा बाराबंकी के रहने वाले, 10 महीने में 9 महीने की रातें मैंने यही व्यतीत किया है और प्रातः काल हम यहाँ जन सुनवाई करते हैं 9 से 11 तक और 12 बज जाए 1 बज जाए तब तक बैठे रहते हैं। दूसरी चीज, यहाँ हम संडे को भी इसको नहीं बंद करते हैं, 24 आवर्स की सेवा का व्रत लिया है। हमारी उम्मीद है कि होली और दीपावली को भी मेरा कार्यालय खुलेगा। तो सोनिया जी का ये क्षेत्र होने के नाते इसके पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि सोनिया जी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहीं से सांसद रहे हैं निश्चित रूप से, और अगर तुलना करें सबसे ज्यादा निरक्षरता यहाँ है, सबसे ज्यादा गरीबी यहाँ है, इसका मूल कारण है कांग्रेस और कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की आत्मा इसी विधानसभा और इसी लोकसभा में बसती है। तो निश्चित रूप से जब वो अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कई विधायक हारे हैं अभी यही रायबरेली जनपद से, तो कई विधायक बने ही नहीं, प्रत्याशी उतरे थे, तो अब आत्मा कहाँ रह गई, अब तो सिर्फ दिखावे की जान रह गई। नहीं नहीं, सांसद तो वही है और आजादी के बाद से अब तक थोड़ा समय छोड़ करके बाकी कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेता रहे जी, माननीय राहुल जी के खानदान के सारे लोग रायबरेली और अमेठी फूलपुर से ही सांसद होते रहे हैं जी। लेकिन इन स्थानों में सर्वाधिक पिछड़ापन है, कांग्रेस का एक मूल कल्चर है गरीबों को और गरीब बनाए रखो, गरीबी मिटाओ का नारा देकर के माननीय इंदिरा जी देश पर काबिज हुई थी, लेकिन गरीब मिटता चला गया, गरीबी तो आज तक नहीं मिटी। तो इस नाते हम कहते कांग्रेस की आत्मा यहाँ बसती है जी। इस नाते कांग्रेस गरीबी अगर मिटाना था तो कहीं तो कोई मॉड्यूल तैयार करते, कम से कम अपनी लोकसभा तैयार करते। भाजपा का नारा क्या है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का? भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो अब जैसी घटनाएं होते हो रही है पूरे देश में, क्या आपको लगता नहीं इस तरह का माहौल चलता रहा तो गृह युद्ध दूर नहीं है? देखिए, जब तक कुछ लोग नारा देते रहेंगे अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तब तक ऐसी स्थिति बनती ही रहेगी निश्चित रूप से। इसका कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसके कारण कुछ अराजक तत्व हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए तो ऐसा माहौल बनना बंद हो। अच्छा, आप इस बात के कितने पक्ष में कि धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? हम 100% इस पर राजी हैं कि धर्म पर राजनीति नहीं, राम मंदिर का मुद्दा आप लोग छेड़ते हैं, ये हमारी आस्था का सवाल है, ये राजनीति का सवाल। आप जब वो कोर्ट में है मामला तो उस पर राजनीति क्यों करें, वो आस्था का सवाल ठीक बात है लेकिन राजनीति आप बताइए, हमको क्या नमाज पढ़ने के लिए हम छुट्टी देते हैं कि नहीं देते हैं, ये सरकारें देती कि नहीं देती हैं, लेकिन मंदिर में पूजा करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, ये पुष्टिकरण टाइप की चीज है कि नहीं? कोई भी मंदिर में पूजा करने के लिए क्या वो तो आप मना दिशा है आपकी, आप 4 बजे उठ के पूजा करें 3 बजे उठ के, उसको निर्धारित क्यों किया जाए? अब रही बात उन लोगों ने निर्धारित किया उनकी रीति नीति है, हम लोग एक चीज हम लोग इस पर ध्यान देने की बजाय राष्ट्र कैसे उन्नति करे, हमारा समाज कैसे उन्नति करे, हमारे आसपास के लोग कैसे उन्नति करें, सड़क बिजली पानी व्यवस्थाएं कैसे ठीक हो, इस पर हम बहसबाजी क्यों ना करें, इस पर क्यों दिमाग लगाते हैं? नहीं नहीं, उसने अजान 4 बजे कर ली, उसने 5 बजे कर ली, ये इस बात पे क्या क्यों बहस करें? देखिए ये तो मीडिया के दिमाग की उपज है, अब लीजिए ये हमारी दिमाग की उपज नहीं है, हम तो सबका साथ सबका विकास कर ही रहे, हम तो सदन में बैठ करके इसी की चर्चा करते हैं अपने मीटिंगों में भाषणों में, मेरा कहीं एक भाषण बता दीजिए कि हमने उस पर चर्चा की। आप जब आप पूछते हैं तब हम बताते हैं, हमारी आस्था का सवाल है।
जी चलिए, ये आपको मिला के बात ये है कि कुछ मैं मीडिया दोषी भाई, मीडिया दोषी नहीं का जी, मीडिया अपने दिमाग से जो सवाल पैदा करती जो कहलाना चाहती है वो कहलाती रहती है। चलिए चलिए, तो देश का माहौल लेकिन ठीक होना चाहिए और विकास अच्छा होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। इस देश में दलितों का उत्थान, पिछड़ों का उत्थान, महिलाओं का सम्मान, किसानों का सम्मान, उन सारे लोगों के लिए जो बजट की आप बात कही है, माननीय बजट को आप पढ़ें जी, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र से एमए हूं तो मैं ठीक से जानता हूं और हम टैक्सेशन के वकील हैं, तो इस नाते मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं जो सकल उत्पाद हमारा है वो निश्चित रूप से इतनी तेजी के साथ में बढ़ रहा है और इतनी तेजी के साथ उसका निवेश माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी है, जो सरकार घाटे का बजट बनाती वो अच्छी सरकार होती, वो विकासवादी सरकार है। हम अभी विकासवादी सरकार की तरफ अग्रसर हैं। निश्चित रूप से भारत जिस तेजी के साथ में भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार में ग्राह्यता बढ़ी है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से भारत बहुत जल्दी तरक्की करने वाला है और जिस गति से भारत की ग्राह्यता दुनिया में बढ़ रही है इस गति से किसी दूसरे देश की ग्राह्यता नहीं बढ़ रही। निश्चित रूप से देश एक बार फिर से राष्ट्र विश्व में जाना जाएगा, विश्व में जाना जाएगा। अभी आपने सवाल किया था धर्म और जात की बात, अगर मीडिया के लोग इस पर थोड़ा कम कर दें, कुछ बातें होती हैं लोगों के लिए मन में, तो निश्चित रूप से तय करें हम। तो आप मीडिया के लोग कह रहे हैं, मैं साक्षी महाराज का नाम दूं, आपके उन्नाव जनपद के सांसद हैं, वो दिन भर तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात करते रहते हैं, उनके विकास देख लीजिए उन्नाव में, तो आप कह रहे हैं मीडिया वाले जी। देखिए साक्षी महाराज बचपन से जिस प्रकार के समाज में और जिस तरह की बात करता रहता है उसका इंटेंशन ज्यादा नहीं रहता, वो धार्मिक व्यक्ति है, महाराज लिखे जाते हैं तो निश्चित रूप से, और गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं तो उनके मन में भाव है, वो किसी का विरोध नहीं करते हैं। जब वो ये कहते हैं अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हम, 40 बच्चे विरोध नहीं तो क्या है, आप जरा बताइए इस तरह के बयान एक सांसद दे और बयान दे कि मुसलमानों के प्रति जिस तरह से उनको आप एक समुदाय के प्रति टिप्पणियां करते हैं, प्रहार करते हैं। अच्छा तो आप बताइए, ठीक बात, एक बात बताइए, ओवैसी आपको नहीं दिखाई देते? नहीं दिखाई तो मैं ओवैसी भी देता है, आपने कहा आपकी पार्टी के लोग, तुमने कहा आप एक बार छाट लें आपके पार्टी के लोग, हमारे पार्टी के लोग बहुत सदैवी भाषा बोलते हैं और ठीक ठाक बात, विकास करने के ही उन्नाव काफी पिछड़ा है इस समय, विकास के लिए हम उनसे चर्चा करेंगे। एक बार आपने कहा है तो हम बात, जैसे प्रदेश को हमारे सम्मानित नेता है, कुछ भी वो कई बार सांसद रहे। अब आप ये मानते हैं कि मीडिया ही नहीं आपके दल के नेता भी बहुत आगे बढ़ चढ़ कर धर्म की बातें करते हैं? देखिए धर्म की बढ़ चढ़ करके हमारा व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, बात करिए लेकिन उससे राजनीतिक केंद्र भी बना, उसका राजनीतिक केंद्र नहीं बना। देखिए हम सब लोग राजनीति करते हैं, हम राजनीतिक आदमी है तो जो बात कहेंगे वो राजनीतिक आईने में कहेंगे, हम सामाजिक आदमी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति के लिए राजनीति नहीं करती, समाज बनाने के लिए राजनीति करती है, तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है समाज तरक्की करेगा तब हम तरक्की करेंगे, तब देश तरक्की करेगा, तब राष्ट्र तरक्की करेगा। लगभग सारी बातें हुई, उन सारी बातों से एक बात तो स्पष्ट है कि धर्म की राजनीति से दूर जाना चाहती है आखिर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कहां जा पाएगी, किस तरह जा पाएगी, ये समय बताएगा। साक्षी महाराज पर मुस्कुराकर जवाब देते हुए राम नरेश रावत ने स्पष्ट तो किया कि धर्म की राजनीति नहीं, हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं, कई सारे सवालों पर स्पष्टता उत्तर दी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ, कल ओम प्रकाश राजभर का इंटरव्यू देखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, कैमरामैन अवधेश कुमार के साथ सत्यदीप सिंह, एंटी करप्शन न्यूज़।